Good morning students welcome to online class of social science today we, we are going to study history chapter 10 called india after independence page number 131 paragraph 3 the constituent assembly spent many days discussing the powers of the central government versus those of the state governments some members thought that the center's interest should be foremost only strong center it was argued would be in a position to think and plan for the well-being of the country as a whole other members felt that the provinces should have greater autonomy and freedom a member from mysore feared that under the present system democracy is centered in delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country a member from madras insisted That now come to the 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 page number 132. The initial responsibility for well-being of the people of people provinces should rest with the provincial governments. बली के members ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की powers के बारे में लंबे समय तक विचार विमर्श किया कुछ मेंबर्स का मानना था कि सेंटर के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए उनका कहना था कि यदि सेंटर स्ट्रांग होगा तभी वो पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और प्लानिंग करने में सक्षम होगा कई अन्य मेंबर्स का मानना था कि प्रोविंसेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी और फ्रीडम मिलनी चाहिए मैसूर के एक मेंबर का मानना था कि प्रेजेंट सिस्टम में डेमोक्रेसी दिल्ली में केंद्रित है और इस कारण बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में काम नहीं कर पा रही है मद्रास के एक मेंबर का आग्रह था कि प्रोविंशियल लेवल पर लोगों की वेलबींग या कल्याण की जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए द कॉन्स्टिट्यूशन सॉट टू बैलेंस डीज कम्पिटिंग क्लेम्स बाई प्रोवाइडिंग थ्री लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट अन लिस्ट विद सब्जेक्ट सच एज टैक्सेज डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर विच वुड बी द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर अ स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ विच वुड बी टेकन केयर ऑफ प्रिंसिपली स्टेट्स अ कंकरेंट लिस्ट अंडर विच वुड केम सब्जेक्ट सच एज फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इन विच द सेंटर एंड द स्टेट्स वुड हैव ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी इन क्लेम्स को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में विभिन्न विषयों को तीन लिस्ट में बांट दिया गया यूनियन लिस्ट में टैक्सेस डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को रखा गया यह ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थे स्टेट लिस्ट में एजुकेशन और हेल्थ जैसे सब्जेक्ट को कवर किया गया था जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी कॉन्करेंट लिस्ट में फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर को शामिल किया, किया गया जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंसर्न लैंग्वेज मेनी मेम्बर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूलर्स Its place, they argued, should be taken by Hindi. However, those who did not speak Hindi were of a different opinion. Speaking in the assembly, T.T. Krishnamachari conveyed a warning on behalf of people of the South, some of whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them. A compromise was finally arrived at, namely that while Hindi would be the official language of India, English would be used in the courts. द सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनादर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लैंग्वेज के ऊपर एक तीखी डिबेट हुई बहुत सारे लोगों का मानना था कि ब्रिटिश रूलर के साथ इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंडिया से विदा कर देना चाहिए और उसकी जगह हिंदी लैंग्वेज को अपनाया जाना चाहिए लेकिन वे लोग जो हिंदी नहीं बोलते थे उनका ओपिनियन अलग था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलते हुए पी टी ने साउथ के लोगों की ओर से वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे इन विवादों को सुलझाने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाया गया कि हिंदी को इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा बना दिया जाए और इंग्लिश का यूज कोर्ट्स के कामकाज में सर्विसेज में और राज्यों के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाए Many Indians contributed to the framing of the constitution, but perhaps the most important role was played by Dr. B. R. Ambedkar, who was chairman of the drafting committee and under whose supervision the document was finalized. In his final speech to the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar pointed, pointed out that political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. Giving the right to vote would not Automatically lead to the removal of other inequalities such as between rich and poor or between upper and lower caste With the new constitution, he said. Constitution के निर्माण में बहुत सारे Indians ने अपना योगदान दिया था, लेकिन शायद सबसे important योगदान Doctor B. R. Ambedkar का था, जो Constituent Assembly के Drafting Committee के अध्यक्ष थे, और उनके supervisor में document को अंतिम रूप दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी जरूरी है लोगों को वोट का अधिकार दे देने मात्र से अन्य असमानताएं जैसे अमीर और गरीब के बीच और अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच की असमानताएं अपने आप समाप्त नहीं हो जाएंगी नाउ कम टू द पेज नंबर वन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड Back in the 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. However, after independence, the Congress did not take any steps to honor this promise, for India had been divided in the basis of religion. Despite the wishes and efforts of Mahatma Gandhi, freedom had come not to one nation but to two. as a result of the partition of india more than a million people had been killed in riots between hindus and muslims could the country afford further divisions on the basis of language 1920s में फ्रीडम स्ट्रगल की मेन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही देश आजाद होगा प्रत्येक मेजर लैंग्वेज लिंग्विस्ट, लिंग्विस्टिक ग्रुप को अपना अलग का अपना अलग-अलग प्रोविंस होगा लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने इस प्रॉमिस को पूरा करने में कोई करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि देश रिलीजन के आधार पर बढ़ चुका था महात्मा गांधी की तमाम कोशिशों के बावजूद यह फ्रीडम एक देश को न मिलकर दो देशों को मिली थी पार्टीशन के कारण हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हुए दंगों में दस लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे क्या इंडिया भाषा के आधार पर इस प्रकार के पार्टीशन अफोर्ड कर सकता था Both Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhai Patel were against the creation of linguistic states. After the partition, Nehru said disruption tendencies had come to the fore. To check them, the nation had to be strong and united or प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के खिलाफ थे पार्टीशन के बाद नेहरू ने कहा था कि डिस उठा रही है उन पर रोक लगाने के लिए राष्ट्र को स्ट्रांग और यूनाइटेड होना पड़ेगा that the congress leaders would now go back on their promise created great dis disappointments disappointment the kannada speaker malayalam speaker or the marathi speakers had all looked forward to having their own state the strongest protest however came from the telugu speaking districts of what was the madras presidency when nehru went to campaign there during the general elections of 1952 he was met with black flags and slogans demanding, we want Andhra. In October of the year, a veteran Gandhian named Potisiri Ramalu went on a hunger fast, demanding the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speakers. As the fast went on, it attracted much support. Hartals and bans were observed in many towns. कांग्रेस लीडर्स के अपने प्रॉमिस से पीछे हटने के कारण गहरा असंतोष पैदा हुआ कन्नड़ स्पीकर मलयालम स्पीकर मराठी स्पीकर सभी को अपने अपने राज्य चाहिए थे सबसे स्ट्रांग विरोध मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दिया जब 1952 के जनरल इलेक्शंस में नेहरू वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए उसी वर्ष अक्टूबर में एक अनुभवी गांधीवादी पोटी सीरी रामुलू ने तेलुगु स्पीकर्स के हितों की रक्षा के लिए आंध्र स्टेट के फॉर्मेशन की डिमांड करते हुए हंगर स्ट्राइक कर दी जैसे जैसे फास्ट आगे बढ़ा बहुत सारे लोग श्री रामुलू के सपोर्ट में आगे आए कई शहरों में हड़ताल और बंद किए गए नाउ कम टू पेज नंबर वन थर्टी फोर ऑन फिफ्टीन दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी टू फिफ्टी एट डेज इन टू हिज फास्ट पोटी श्री रामुलू Died. As a newspaper put it, the news of the passing away of Siramulu engulfed entire Andhra in chaos. The protests were so widespread and intense that the central government was forced to give, give in to the demand. Thus, on 1st October 1953, the new state of Andhra Pradesh came into being. 58 days ki hunger strike. Ke baad, 15 1952 पोटी श्री रामल की डेथ हो गई। रामलु की निधन खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर दिया प्रोटेस्ट इतना वाइड स्प्रेड और गहरा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यह डिमांड माननी पड़ी इस तरह से फर्स्ट अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए स्टेट का गठन हुआ जो बाद में आंध्र प्रदेश बना After the creation of Andhra, other linguistic communities also demanded their own separate states. A state recognition commission was set up which submitted its report in 1956 recommending the redrawing of district and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengali, Uriya, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speakers respectively. The large Hindi speaking region... Of North India was broken up into several states. A little later in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati speakers. In 1966, the state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana, the former for the Punjab, Punjabi speakers, the latter for the rest who spoke not Punjabi but versions of Haryanvi or Hindi. आंध्र की स्थापना के बाद अन्य लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज भी अपने अपने अलग स्टेट्स की डिमांड करने लगी इस कारण एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी मीन्स राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी आयोग ने सुझाव दिया कि असमी बंगाली उड़िया तमिल मलयालम कन्नड़ और तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग अलग प्रोविंसेस का गठन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंसेस की बाउंड्रीज को पुनः तय किया जाए नॉर्थ इंडिया के विशाल हिंदी स्पीकिंग रीजन को कई राज्यों में बांट दिया गया कुछ समय बाद 1960 में बॉम्बे प्रोविंस को महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया 1966 में पंजाब स्टेट को पंजाब और हरियाणा में डिवाइड कर दिया गया